हिमाचल के ऊना में अतिरिक्त उपायुक्त डॉक्टर अमित कुमार शर्मा ने एमसी पार्क में 2 दिवसीय सौर ऊर्जा मेले का शुभारंभ किया। इस अवसर पर एडीसी ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य में उपलब्ध सौर ऊर्जा को लोकप्रिय बनाने, बढ़ावा देने और दोहन करने को तत्पर है। इस दिशा में सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। सौर ऊर्जा का दोहन मुख्य रूप से ग्रिड से जुड़े छत पर लगने वाले छोटे छोटे सौर ऊर्जा प्लांट और जमीन पर स्थापित होने वाली परियोजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है। एडीसी ने बताया कि सौर ऊर्जा प्लांट लगवाने से लोगों के बिजली बिलों में कटौती भी होगी। ऊर्जा द्वारा जो आज 2 दिन के लिए ऊर्जा की जितने भी स्कीम्स हैं उसके तहत जो भले ही सोलर लाइट की बात हो, सोलर प्रेशर कुकर की बात हो, जो हमारे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं उनसे संबंधित हमारी जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट सब्सिडीज दे रही हैं, उसके बारे में आप यहाँ पे एमसी पार्क में आकर पता कर सकते हैं। और अगर आप इच्छा रखते हैं कि आपने सोलर पावर प्लांट, सोलर रूफ टॉप, सोलर वाटर, सोलर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन सिस्टम अगर आपने लगाना है नेट मीटरिंग के साथ, वो आप यहाँ सारी इंफॉर्मेशन उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। ये मेला आज और कल के लिए यहाँ रहेगा। मैं यही आशा करूँगा कि सभी लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इनकी स्कीम्स के बारे में, हिमऊर्जा की स्कीम्स के बारे में पता करें और ज़्यादा से ज़्यादा